ये कहानी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना जॉन के साथ तब हुई जब वो अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही पिज्जा शॉप का फोन बजा। जॉन ने फोन उठाया तो कोई आदमी बहुत ही सहमी आवाज में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो जॉन ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा क्योंकि पिज्जा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। मगर जब उस आदमी ने 4 लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर किए तो जॉन ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप भी मिलती थी और जॉन को पैसों की जरूरत भी थी। जॉन जल्द से जल्द पिज्जा लेकर डिलीवरी करने निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस पिज्जा शॉप से काफी दूर शहर के आउटस्कर्ट्स में था। देर रात हो चुकी थी और वो रास्ता भी काफी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे थे। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से वहां अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद जॉन उस एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था। वो घर फॉरेस्ट एरिया के अंदर था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि आसपास कुछ हलचल भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर सालों से वीरान पड़ा है और उस घर में कोई रहता ही ना हो। जॉन उस घर को देखकर थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वो अपने मैनेजर को वो सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहां से वापस चले जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फोन ही नहीं उठाया। जॉन अगर बिना मैनेजर को बताए वो चारों पिज्जा वापस ले जाता तो उसका मैनेजर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट लेता। इसलिए जब बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने फोन नहीं उठाया तो उसने एक बार उस घर के पास जाकर डिलीवरी ट्राई करने का मन बनाया। जॉन जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर की अंदर की एक लाइट ऑन हो गई। जॉन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अंदर कोई है। उसने डोरबेल बजाई और जोर से कहा, पिज्जा डिलीवरी। मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जॉन ने फिर से बेल बजाई तो उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जॉन वापस जाने ही वाला था कि अचानक से वो दरवाजा अपने आप खुल गया। जॉन थोड़ा घबराया हुआ अंदर घुसा। हॉल में एक डिम सी लाइट जल रही थी और वहां कोई भी नहीं था। जॉन ने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? प्लीज अपना पिज्जा ले लीजिए। तभी जॉन ने देखा कि हॉल में पड़े सोफे के नीचे एक काली बिल्ली निकलकर एक रूम की तरफ भागी। जैसे ही वो बिल्ली उस रूम में घुसी, उस रूम की लाइट्स और टीवी ऑन हो गया। साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने की और हंसने की आवाज भी आने लगी। जॉन को लगा कि कोई शायद उसके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस रूम के अंदर गया। वहां दो छोटी सी लड़कियां बैठी थीं। वो दोनों वहां बेड पर बैठे बैठे जॉन को अजीब तरीके से घूरे जा रही थीं। जॉन उनसे कहने लगा कि वो कब से डोरबेल बजा रहा है और वो लोग हैं कि दरवाजा ही नहीं खोल रहे।
जॉन उन पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन वो दोनों फिर भी वहीं बैठी बिना कुछ बोले बस जॉन को घूरे जा रही थीं। जॉन ने फिर कहा, मैं पिज्जा देने आया हूं, तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं? अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग सफेद पड़ गया और उनकी चुप्पी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। उन दोनों ने उस कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया जो जॉन के ठीक पीछे था। जॉन पीछे पलटा तो वो घबरा उठा। उसके हाथ से चारों पिज्जा के डब्बे नीचे गिर पड़े, क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक औरत का साया पड़ा था। ये सब देखकर जॉन डर के मारे कांपने लगा। वो जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहां से निकल गया। उस औरत का साया और वो दो लड़कियां उस घर के दरवाजे पर खड़े हुए उसे जाते देख रहे थे। जॉन अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे फील हुआ कि उसकी बाइक खराब हो रही है। एकदम से बाइक के घिसटने की आवाज आने लगी और बाइक बंद पड़ गई। सहमा हुआ जॉन बाहर निकला और उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंक्चर था। उसने डर के मारे पुलिस को फोन मिलाया और जल्द से जल्द मदद मांगी। वो आसपास देखने लगा और अचानक ही उसकी नजर बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाइक के पीछे उस औरत का साया और वो दो बच्ची खड़ी थीं। वो तीनों धीरे धीरे जॉन की तरफ आ रहे थे। जॉन हड़बड़ा के बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो बहुत थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वो बस अपनी जान के लिए दुआएं मांगने लगा कि कुछ ही देर में उसे दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई और उसने अपनी बची हुई हिम्मत लगाकर अपनी बाइक के पास वापस दौड़ना शुरू कर दिया। वो वापस अपनी बाइक तक पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस उसकी बाइक की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने उस घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा उस घर में कोई नहीं मिला। अगली सुबह जॉन को यह पता चला कि वो घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है, और तो और 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियां रहती थीं, जिनका एक रोज अचानक मर्डर हो गया था। ये जानकर जॉन के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उस दिन जिन लोगों को उसने देखा था वो उस औरत और उसकी छोटी बच्चियों की आत्मा ही थी, जो शायद आज भी उस घर में कैद है। मगर उसे कभी ये समझ नहीं आया कि वो फोन आखिर किसने किया था। इस हादसे के बाद जॉन ने पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी, लेकिन वो जब भी वो हादसा याद करता है तो बुरी तरह कांप उठता है।